अभी अभी शाम होते ही पूरा का पूरा बसंतपुर मार्केट अचानक धुएं में तब्दील हो गया। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह देखकर साफ दंग रह गया। अभी लोग कुछ समझ पाते हैं तब तक देखते ही देखते वहां सभी लोगों के सामने अचानक अंधेरा छा गया, यानी कि चारों तरफ बस लोगों को धुआं ही धुआं वहां दिखाई देने लगा। जैसा कि तस्वीरों में आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक बाइक पर दो युवक सवार हैं। एक युवक बाइक को चला रहा है तो वही दूसरा युवक उस बाइक पर पीछे बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक मशीन है जिस मशीन से धुआं निकलते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है। बता दें कि दोनों युवक पूरे बसंतपुर में इसी तरह कई घंटों तक मशीन से धुआं पॉकिंग करते रहे। वहीं जो भी व्यक्ति इस दृश्य को देखता था वह आश्चर्य में पड़ जाता था। आपको बता दें कि आए दिन पूरे सिवान जिले भर में डेंगू और मलेरिया के मरीज काफी भारी संख्या में पाए जा रहे हैं, जिसके रोकथाम के लिए बसंतपुर में आपदा प्रबंधक जीवन रक्षक संस्थान के द्वारा एक नया कदम उठाया गया, जहां मलेरिया और डेंगू से बचाव के लिए आपदा प्रबंधक जीवन रक्षक संस्थान के द्वारा वार्ड स्तर पर मशीन से धुआं फॉकिंग कर मच्छरों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत बसंतपुर के महाराजगंज रोड सब्जी मंडी भरत मार्केट NH 227 से कोड़र धमही नदी पुल तक इस मशीन से धुआं फॉकिंग किया गया।